हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द टेस्टनेट। टेस्टनेट प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट थ्री है ये, तो पार्ट वन भी देख लेना, पार्ट टू भी देख लेना, और जो आंसर की चाहते हो वो नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट वन का आंसर की आपको पार्ट टू में मिलेगा, पार्ट टू का पार्ट थ्री में मिलेगा, पार्ट थ्री का पार्ट फोर में मिलेगा आंसर की। तो ये पार्ट टू का है, जैसे कि ये पार्ट थ्री है तो पार्ट टू का ये आंसर की है। तो करेक्ट ऑप्शन थे ए बी, ए बी डी ट्रिपल ए सी डी। तो इन जिन्होंने कमेंट किया था, मैंने कमेंट पढ़ा था, आप भी इस पार्ट, ये पार्ट थ्री को देखकर कमेंट कर सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा प्रैक्टिस करके। तो जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था वो 10 लोग थे। हर धृतिका, आकृति, सुदीप्तो, जैरीन, राहुल, स्वबनम, अंकित कुमार, कृष्टि एंड सुभिज्ञा माथुर। तो ये 10 लोग थे जो 10 आउट 10 सारे के सारे करेक्ट किए थे। लेकिन इस वीडियो से मुझे समझ आ रहा है कि किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और किनको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, या लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो रहा है। तो कॉमेंट्स मैंने पढ़े थे, कमेंट्स में आ रहा है कि पार्ट टू का टू सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है, 2 और 6 सॉल्यूशन करने का। तो देखो, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आने वाले वीडियो है ना, सब रुक जाएंगे, जो मैं सोचा हूँ आपको प्रैक्टिस टेस्ट में और भी क्वेश्चन देने के लिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस टेस्ट फिर एक दिन में एक ही पार्ट बनेगा और सॉल्यूशन भी बनेगा, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने वीडियो में अपलोड किया है। टेस्ट योरसेल्फ जाके देखो, मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन देखो, सिलोगिज्म का चैप्टर नहीं देखा है इसलिए तो 2 में आप ब्लॉक हो जा रहे थे। तो वो सब वीडियो देख कर सीख के आप ज़रूर आंसर करो। प्रैक्टिस टेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन शेयर करना है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो 2 नंबर और 6 नंबर का आज सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद से सॉल्यूशन करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैथमेटिक्स में दिया था, और जो था ये सिलोगिज्म का चैप्टर है, वीडियो अपलोडेड है, जाके देखो। क्लॉक का भी चैप्टर अपलोडेड है, देखो। तो ये सिलोगिज्म से देखो कैसे करते हैं। स्टेटमेंट, ऑल द बुक्स आर मैगजीन एंड सम मैगजीन आर नोबल्स। ये कुछ लॉजिक है लॉजिकल रीजनिंग का, ये मैगजीन नोबल नहीं होता, ये नहीं होता, वो सब नहीं करना है। कॉन्क्लूजन है, कॉन्क्लूजन में दे दिया गया सम बुक्स आर नोबल एंड सम नोबल्स आर मैगजीन। तो डायग्राम से मैंने सिखाया था सिलोगिज्म के वीडियो में, ऑल द बुक्स आर मैगजीन। ये देखो, ये बुक है, ये बुक है, सारे के सारे बुक मैगजीन है। तो बी के अंडर एम आ जाएगा, यानी मैगजीन, एम ए जी मैगजीन, ठीक है। सारे के सारे बुक मैगजीन है, तो ऐसे करके डायग्राम बनाए थे, सिखाए थे। सम मैगजीन आर नॉर्मल नोबल्स, तो सम कुछ मैगजीन है जो नोबल्स है, तो ऐसे करके डायग्राम बनेगा, कुछ नोबल्स मैगजीन है। तो ये वाला जो पार्ट है, कुछ जो सम्स मैगजीन आर नोबल का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम मैंने बनाया था, आपको सिखाया था। कॉन्क्लूजन में क्या बोल रहा है, देखो, सम बुक्स आर नोबल, सम बुक्स आर नोबल, ये नोबल है, सम बुक्स आर नोबल। कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नहीं होगा, क्योंकि सम मैगजीन आर नोबल बोला गया, सम बुक्स आर नोबल बोला गया स्टेटमेंट में, नहीं बोला गया तो कहां से फॉलो करेगा। नेक्स्ट, सम नोबल्स आर मैगजीन, सम नोबल्स, ये सम नोबल्स आर मैगजीन 100% राइट है, क्योंकि कुछ नोबल मैगजीन भी तो है। ये वाला पार्ट क्या है, मैगजीन एंड नोबल का ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होता है, ओनली वन कॉन्क्लूजन फॉलो, ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलो, सी नाइदर वन नाइदर टू, या डी बोथ कॉन्क्लूजन फॉलो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलो, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 6 नंबर, बस ये लास्ट है। ये क्वेश्चन आपके बस कैलकुलेशन को मैं देखना चाहता था कि कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, नहीं तो इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है टेस्टनेट में, बस कैलकुलेशन के लिए मैं ये शेयर किया था आपको ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, यानी कि एक्स यानी प्रिंसिपल, एट द 8% पर एनम फॉर द 2 ईयर इज 48। यहाँ पे बोला गया है कोई सा भी वैल्यू है, मान लेते एक्स वैल्यू है, उसका
सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई माइनस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है क्या 48, निकल के आ रहा है 48 किसी भी प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल का क्या कंडीशन दिया गया है, प्रिंसिपल जो है वो 8% पर एनम के हिसाब से आएगा फॉर द 2 ईयर। अब एक्स तो मुझे मालूम नहीं है कि एक्स क्या है 8%, ठीक है 8% का वैल्यू दे दिया गया कि 8% पर एनम एंड 2 ईयर का। तो आपको पता ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही सेम रूल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन कैसे ढूंढना है, फॉर्मूला के तरफ जाओगे तो फॉर्मूला भूल जाओगे एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन से कैसे ढूंढ सकते हो। आपको एक मिनट तो मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, इजिली तो मिल ही जाएगा, टाइम तो ज़्यादा दिया गया है टेस्टनेट का। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन था 75,000 था ऑप्शन, बस कैलकुलेशन के लिए मैं क्वेश्चन रखा था, 75,000 था। यहाँ पे आप सभी नंबर से चेक करके देखो, आपको एक ही नंबर का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं सारा आपको दिखाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो में। तो 75,000 ले लिए थे हम, सारे क्वेश्चन से चेक कर सकते हो, और जिसका कैलकुलेशन फास्ट है उसको डायरेक्ट देख लेगा कि ये 48 इसी में आएगा, ये भी एक 8% सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बस इसी तरीके से लगा दो और एक ईयर का जो लगा है और कितने भी ईयर में पूछो उसको इनटू कर दो जितने ईयर से पूछा गया। तो 0 से 0 काट दिए तो 1 ईयर का वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 600 आ जाएगा, 1 ईयर का 600। तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू टू, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल नहीं है, 0 0 6 2 12 1200 आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। अब आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहला ईयर का होता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि पहले ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट पहला ईयर का रहेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये पहला ईयर तो क्या था, 600 था ना, 600 था पहला ईयर 600। आप दूसरा ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट निकालें उसको भी ऐड कर देंगे, पहला ईयर 600 ही होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला ईयर का सेम होता है। फिर दूसरा ईयर निकालने के लिए इंटरेस्ट को प्लस करके फिर परसेंटेज चढ़ाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, 0 0 0 0 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 81। तो इसे 8% के हिसाब से किए तो 81 × 8 किए तो 6648 आ गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का 1200 हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का 1200 हो रहा है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहला ईयर का 600 और दूसरे ईयर का 648। 8 से ही पता चल जाता है कि कौन सा ट्रिक से ये सब 648। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जबकि 1200 है आपका और कंपाउंड इंटरेस्ट पहला ईयर का 600 है एंड सेकेंड ईयर का 648 है। तो दोनों को क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन पूछा गया, डिफरेंस 48 आ रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो डिफरेंस देख लो 48 आ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा 7500। ये ऑप्शन से ही आप करेक्ट मालूम कर सकते हो, फॉर्मूला के बेसिस पे जाओगे और भी बड़ा बनते जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन के लिए दिया था मैं आपको कि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब चलते हैं जो पार्ट 3 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 प्रैक्टिस टेस्ट का, वह है सब लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन दे दिया हूँ। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें कौन सा दो साइन इंटरचेंज करेंगे जो 419 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, इसमें आपको बताना है कि इस जगह क्या होगा, डैश की जगह आपको 2 5 10 17 26 36 नेक्स्ट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
हाउ मैनी ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था इसलिए मैं आपको दिया, आप एक बार कोशिश करना इसको करेक्ट करने का। नेक्स्ट ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग कवि वीना सेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, यह है आपको, ये नंबर सीरीज में ही आता है लेकिन ये रिलेट करना है आपको जैसे एनोलॉगीज से, जैसे 2:32 कैसे हुआ उसी तरीके से 3:2 यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क में। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये आपका ऊपर का पावर का क्वेश्चन है, पावर टू द पावर 5 होता है, तो ये क्या होगा। नेक्स्ट सिक्स, ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का वीडियो बन चुका है, जाके देख लो, ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पजल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रो ए बी सी डी ई एफ जी आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि हु इज वन द एक्सट्रीम लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, यह है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द ऑड वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इसमें से ऑड कौन सा है, ये ए ए बी ए सी ए डी, ये ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको यहाँ से बताना कि इन दोनों इन चारों में से ऑड क्या है, बी एस ई वी आई जे डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और जल्द से जल्द जितने भी क्वेश्चन है कमेंट करके बताओ, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए ला सकूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा।